नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। डोंडीलोहारा विधानसभा की राजनीति चरम सीमा है और यह आदिवासी अंचल व आरक्षित सीट है, जहां से आदिवासी इस चुनाव के महासंग्राम में जीतकर जनप्रतिनिधि बनकर विकास की मिसाल कायम करते हैं। पर चुनाव में जिस तरह आदिवासियों का गढ़ बताकर जो नेता गुमराह कर जो चुनावी रणनीति की बिसात बताती है और भोले भाले आदिवासियों के साथ छल कपट कर मजाक बनाते हैं, चुनाव के समय आदिवासी बनकर वोट लेकर पार्टियों का बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। ऐसे में समाज क्या करे। आज डोंडीलोहारा विधानसभा चुनाव में परिवारवाद, बाहरीवाद व यही आदिवासी नेता लोगों का धनाढ्य सेठ महाजनों के बीच गुलाम की तरह काम करना रह गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आदिवासी मूल निवासी अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्गों ने संयुक्त प्रयास कर हमर राज पार्टी बनाई है। आयोग से अपना चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप लेकर छत्तीसगढ़ में पहली बार लगभग 50 सीटों में अपना प्रत्याशी उतारने जारी है। छत्तीसगढ़ में वोटरों की कुल जनसंख्या 2,55,00,000 है। इसमें से केवल 70,00,000 आदिवासी वोटर एक हो जाएं तो हमर राज पार्टी को सरकार बनाने में देर नहीं लगेगी। हमर राज पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 से डोंडीलोहारा में कर्मठ एवं जन आंदोलनकारी गिरवर सिंह ठाकुर, जिनकी कर्म भूमि दिल्ली राजहरा व जन्मभूमि बगई कोन्हा सिरपुर को मैदान में उतारा है, ताकि गरीब शोषित आदिवासी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवास को विधानसभा तक पहुंचाया जा सके। मैं टीकम कुमार बढ़ई और मैं अभी सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग का अध्यक्ष हूं और वर्तमान में अभी जो विधायक प्रत्याशी हैं उनका मैं निर्वाचक एजेंट हूं। और आज आज़ादी के 75 साल बाद जिस तरह से आदिवासी समाज लड़ रहा है और हमारे पूर्वज भी लड़े, और आज आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो हमारे पूर्वज लड़े लेकिन आज़ादी के बाद भी आज हमारे जो लोग हैं आज भी लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आज समाज, सर्व आदिवासी समाज आरक्षण को लेकर, चाहे जल जंगल जमीन की मामला को लेकर आज लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। यहाँ तक कि रेल को रोकना पड़ रहा है। उसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं जाग रही है और न ही केंद्र की सरकार जाग रही है। हमको मजबूर होकर शासन और सत्ता की ओर बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आज पूरा समाज मिलकर तय किया कि वास्तविक में जिस तरीके से हमारे राजा रजवाड़ा पहले शासन चलाते थे वैसे ही आज हमको शासन और सत्ता में बैठना पड़ेगा, तब हमारे लोगों का हक और अधिकार मिल पाएगा। जिस तरीके से हमारा जो विधानसभा डोंडीलोहारा है वो उसमें दो तरीके का कानून लागू होता है, क्योंकि इसमें दो विकास खंड आता है, एक डोंडी और दूसरा डोंडीलोहारा। डोंडी जो है अनुसूचित क्षेत्र में आता है और डोंडीलोहारा जो सामान्य क्षेत्र में आता है। लेकिन इसके लिए भी हम जब से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अनुसूचित जनजाति आयोग को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, इस तरीके से हम लगातार मांग करने के बाद भी आज 65% आदिवासी डोंडीलोहारा विकास खंड में होने के बावजूद अभी तक इसके लिए किसी भी ना केंद्र ने ध्यान दिया और ना ही राज्य ने ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग 65% लोग हैं डोंडीलोहारा क्षेत्र में। और आज एक विधानसभा में दो तरीके का कानून लागू हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का जो विकास हो वो हमारे क्षेत्र के हिसाब से हो। जिस तरीके से आरक्षण को ये लोग ख़त्म किए, जैसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 58% आरक्षण, हम जो समाज के लोग जो लड़े और इसके लिए लाठी डंडे खाए और यहाँ तक हमको जेल भी जाना पड़ा, उसके बाद 2012 में जो 58% रिजर्वेशन लेकर आई उसके 2 महीने बाद ही इसमें पिटिशन दायर हो गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को, उस समय की जो भाजपा सरकार थी उनको भी लगातार नोटिस के द्वारा हाईकोर्ट में पूछा गया कि आपने जो 58% आरक्षण जो दिया है उसका क्या बेस है, उसको, उस विशेष परिस्थिति को बताइए। इसी तरह से 5 साल कांग्रेस की सरकार का बीत गया, अभी तक हाई कोर्ट में ये लोग जवाब दाखिल नहीं कर पाए और अभी ओबीसी समाज को बेकूफ बनाने के लिए आज 76% का आरक्षण ये लोग लेकर आए हैं। 32% आदिवासियों को देने के लिए बात कही गई, 13% अनुसूचित जाति को देने की बात कही गई और 27% ओबीसी समाज को देने की बात कही गई है। जब 58% को ये सरकार नहीं बचा पाई तो 76% को बचाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनको अगर 76% आरक्षण देना होगा तो इनको इस छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति को बताना होगा कि हम 76% आरक्षण देने का ये वजह क्या है, कारण क्या है। चूंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे विधानसभा में न सड़क की सुविधा है, न बिजली की अच्छी से सुविधा मिल रही है, आवागमन की सुविधा नहीं हो पा रही है। सड़क जो बन रही है वो आज
दूसरे दिन उखड़ जा रही है। आज 6 महीने सड़क नहीं चल रही है। हमारे डोंडी लोहारा से जो मंचवा मार्ग है वो 6 महीने भी नहीं चल पाई। ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट जीता जागता उदाहरण है। आज नेशनल हाईवे जो बन रही है बालोस से लेकर मानपुर तक जो नेशनल हाईवे बन रही है उसमें आप देखेंगे तो गड्ढों का भरमार है और आप देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है। इस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ के शासन और प्रशासन में बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके से भ्रष्टाचार किए हुए हैं। यहाँ पर एक हमारा क्षेत्र है, चूंकि हम लोग अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं और संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 13(3) का में विशेष रूढ़ी एवं प्रथा को विधि का बल प्राप्त है और 19(5) में ये अधिकार है कि आप अपने संस्कृति को बचाने का आपको अधिकार है। जिस तरीके से हमारे आदिवासी संस्कृति को यहाँ ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, चूंकि हम आज आदिवासियों की संस्कृतियों को यहाँ के जल जंगल जमीन को और यहाँ के मूल निवासियों को बचाने के लिए हम जो प्रत्याशी उतार रहे हैं डोंडी लोहारा विधानसभा से, चूंकि यहाँ तुएगोंदी का मामला आप सबके बीच में जग जाहिर है। जिस तरीके से देवलाल ठाकुर के द्वारा उनके संरक्षण दिया गया, वहाँ पे जो हत्यारे जो तलवार लाठी डंडा से जो हत्या करने के प्रयास से वहाँ पर तुएगोंदी में पहुँचे हुए थे, उनको देवलाल ठाकुर के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आज उनके बैनर पोस्टरों में भी उनके जो हत्या में जो शामिल लोग हैं जो उनको इनके बैनर पोस्टरों में जगह दिया जा रहा है, तो किस तरीके से ये लोग आदिवासियों के साथ यहाँ आदिवासियों को मिटाने के लिए ये दोनों पार्टियाँ कांग्रेस और भाजपा की दोनों पार्टियाँ आदिवासियों के यहाँ पे संस्कृति को ख़त्म करने के लिए लगी हुई है। सुवनलाल भुवारी है, सदस्य निर्णायक समिति अखिल भारतीय हलवा हलबी आदिवासी समाज महासभा मुख्यालय बालोद का, और अभी डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के साथ में पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जोर शोर से चल रहा है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अमर राज पार्टी का निर्माण किया गया है और ये आदिवासी समाज के लिए मजबूरी है कि मजबूरी में ये पार्टी का गठन किया गया है, जिसका संरक्षक और पूरे सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से संचालित हो रहा है। आदिवासी समाज को मजबूर किया राष्ट्रीय पार्टियों ने कि आदिवासियों के अधिकार, उनके मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया है। संवैधानिक अधिकार के लिए सर्व आदिवासी समाज ने खासकर डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया, जैसे आरक्षण की मुद्दा रहा। आदिवासियों के आरक्षण की मुद्दा हमेशा चलता रहा 2012 से। कोई भी राष्ट्रीय दल के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे में नहीं आए। आरक्षण जो है शून्य घोषित हो गया था, लेकिन आदिवासियों के हक को लेने के लिए स्वयं आगे आए, सड़क की लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ करके आज सुप्रीम कोर्ट में विजय हासिल किए। 32% वापस आया और हमारे बच्चों को अभी अगस्त माह में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो नौकरी मिला शिक्षा विभाग में, उसमें हमें फायदा हुआ। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए। जब भी सड़क की लड़ाई होता है तो आरक्षित सीट से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक सांसद मंत्री, वे पार्टी से बंधे होते हैं और स्वयं कहते हैं कि मैं पार्टी का बंधा हुआ हूं। इसलिए वो ना सड़क की लड़ाई लड़ते हैं और ना ही हमारे आदिवासियों का हक की बातों को विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे किसी सार्वजनिक मंच में हो, कभी नहीं रखते। और आज हम जो है आदिवासी समाज मजबूरन होकर के आज दिखाना चाह रहे हैं कि वाकई में आदिवासी समाज है, जिस समाज में जन्म लिए हैं और उसी समाज को राजनीति दल के जो जनप्रतिनिधि है जिन्हें हम चुन के भेज रहे थे, वे ठेंगा दिखा रहे हैं। आज ऐसे लोगों के मुकाबला करने के लिए अमर राज पार्टी का गठन सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले किया गया है और डोंडी लोहारा में काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। निश्चित तौर पे डोंडी लोहारा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी हैं श्री गिरवर सिंह ठाकुर जी, उन्हें भारी बहुमतों से विजय हासिल होगा और इन्हीं हम पूरे डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें आदिवासियों के साथ साथ सर्व समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पे
गिरवर सिंह ठाकुर विजय हासिल करेंगे।